ये दो लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बटर स्कॉच इट इज। ये व्हाइट पास्ता आ गया, लेकिन सियाजी को नहीं खाना है। अरे किनारे सब्जियां भी बोई जाती हैं। अभी आपको रेत मिले, चलते हैं आगे। हो जहाँ जहाँ दे गया अपन धरा पूछता जानिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे इज वेरी स्पेशल डे बिकॉज आज है हम लोगों का सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी। तो टुडे इज सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी, तो मैं तो रेडी हूँ और सिया जी रेडी हो रही हैं। तो सिया जी रेडी हो चुके हैं, तो चलिए निकलते हैं और चलते कहीं पे, कहीं पे चलते हैं। आप चलना है कहीं पे? चलते हैं बाहर घूम के आते हैं। तो चलिए फिर बने रहिए, देखते हैं मूड बनाते हैं कहाँ चलते हैं। गाइज चलने के लिए सब लोग रेडी हो गए हैं, और कमेंट करके बताइए मेरा स्वेटर कैसा लग रहा है। सिया जी कैसा स्वेटर लग रहा है मेरा? सिया जी भी रेडी हो गई हैं। रेडी चला जा, चलिए देर भी हो गई है, चलिए शाल ले लीजिए, ठंडा लगेगा। तो चलिए निकलते हैं फिर और चलते हैं किसी रेस्टोरेंट या फिर किस रेस्टोरेंट में चलते हैं। अभी कुछ बाकी रहे तो हम लोग निकल रहे हैं। आइए लॉक कर दीजिए। तो हम लोग आते आते चले आए यूपीएससी की चुस्की में। क्यों सिया जी, यहाँ चाय के अलावा और भी कुछ मिलता है? ये एमबीए चाय वाला और ऊपर यूपीएससी की चुस्की। तो हम लोग चलते हैं यूपीएससी की चुस्की में। हम लोग कुछ खास सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, क्यों? बस पास्ता मंगाए हैं, पास्ते के साथ चाय, बस यही पास्ता और चाय। ये व्हाइट पास्ता आ गया, लेकिन सिया जी को नहीं खाना है, नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ पे कोई किसी बच्चे का हैप्पी बर्थडे है, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे। तो हम लोगों का सेलिब्रेशन हो गया, कुछ खास नहीं था, बस सिया जी के साथ में आए थे, शिवाजी को लिवा के आए थे, बस नाश्ता पानी यही फास्ट फूड हुआ। उसके बाद चलते हैं, और खास कुछ स्पेशल केक कटने का विचार था पहले, लेकिन थोड़ा सा टाइम के अभाव में, क्योंकि दिन भर में बाहर रहा कुछ काम से, समय नहीं मिल पाया, इसलिए केक नहीं कट पाया। तो हम लोग कहे ठीक है हल्के में यही सेलिब्रेट कर लेते हैं। सेलिब्रेट क्या करना है, चलते हैं बाहर घूम लेते हैं थोड़ा सा बस, और बाकी फिर देखा जाएगा न्यू ईयर पे।
क्यों सिया जी, न्यू ईयर पे देखा जाएगा है ना। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए रूम पे, ठंडक बढ़ गई है और गलन बढ़ गई है इस समय। और सिया जी को देखें, इनको याद भी नहीं था, सुबह में मैं याद दिलाया हूँ कि आज कौन सा दिन है, ये कह रहे हैं शुक्रवार है। तो इनको मैं याद दिलाया हूँ कि आज हम लोगों का सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी है, मतलब 16 दिसंबर को हम लोगों की सगाई हुई थी 2020 में। तो इनको नहीं पता था, लेकिन हम कुछ ऑफिशियल काम से बाहर निकले हुए थे तो दिन भर हमारा उसी में चला गया। आए शाम को तो फिर यही हम लोग गए थे, हल्का फुल्का कुछ बाहर घूमना हो जाएगा और बाहर का थोड़ा सा स्नैक्स हो जाएगा, स्नैक्स मतलब पास्ता, मैगी, इनकी मैगी स्पेशल थी, आधा खाई आधा छोड़ दी। खैर गले में खराश हो गई है, चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होती है आपसे। वहाँ गए थे कुछ मिठाई लेने और पेटीज लेने, तो चलिए फिर निकलते हैं घर के लिए, ले लिए हैं मिठाई, अब निकलते हैं। तो गाइस पहुँच गए हम रूम पे, अब देते हैं इन लोगों को कुछ, मुंह मीठा कराते हैं। तो इसमें लाए हैं पेटीज आप लोगों के लिए मुंह मीठा करने के लिए, और यह मिठाई कुछ नीचे भी दे दीजिए, बुआ के यहाँ भी दे दीजिए। ये दो लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बटर स्कॉच पेटीज। तो सबसे पहले मुझे भी मीठा कराया जा रहा है, हालांकि मैं टेस्ट ले चुका हूँ, खा चुका हूँ। अजय तो डायरेक्टर लग गए। तो ये लड्डू भी खिला दीजिए लोगों का, मुँह मीठा थोड़ा करा दीजिए। नीचे भी बुआ जी के यहाँ भी मोतीचूर का लड्डू, लड्डू शुभ होता है, क्यों सिया जी। गाइस उन्हों का डिनर टाइम हो गया है, चलिए आज हमारे यहाँ दो गोल बट गई है खाने के लिए, मैं अकेले दो लोग इधर, दो टीम हो गई खाना खाने के लिए। वो इसलिए दो गोल हो गई है क्योंकि निमोना वाले इधर है, निमोना चावल हमको एक लोग गिफ्ट किए हैं, मतलब गिफ्ट कर सकते हैं, हाँ एक लोग पार्सल करवाए हैं हमारे लिए बिरयानी, तो अब खाना ही पड़ेगा। बिरयानी मेरे लिए पार्सल आया है स्पेशली, तो मैं बिरयानी खा रहा हूँ और ये लोग हैं निमोना चावल रोटी चल रहा है। चलिए फिर हमारा भोजन तो दूसरे जगह होगा, फिर इन लोगों की सोसाइटी से अलग। गाइस गुड इवनिंग। तो कल तो आपने देखा हम लोग वहाँ पे व्यस्त थे, गए थे UPSC की चुस्की में, अभी आया हूँ मैं खेतों में, गंगा जी के कछार में। तो आया हूँ खेतों में और यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पे बोई गई है, हरा भरा हो। यहाँ पे देख सकते हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों की फसलें बोई गई हैं। ये वही मैदान है जहाँ पे ये फसलें तैयार होती हैं और फरवरी तक आते आते पूरा पीले पीले फूल लग जाते हैं। फरवरी क्या, जनवरी तक, जनवरी में ही पीले पीले फूल लग जाते हैं सरसों के। तो हम सोचे कि आपको घुमा दें थोड़ा सा। यहाँ पे लड़के शाम को रोज आते हैं गंगा जी किनारे जाते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये जौ, जौ का खेत है। तो शाम के वक्त सब लोग जाते हैं यहाँ पे घूमने, देख सकते हैं आने जाने वालों की कतार लगी हुई है। तो हमें लगा आपको दिखाना चाहिए थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश, शहर के बगल में यानी शहर के अंदर कहाँ खेती होती है तो आपको दिखाना चाहिए। तो प्रयागराज सिटी के अंदर यहीं पे खेती होती है, अरे किनारे सब्जियां भी बोई जाती हैं। अभी आपको रेत में ले चलते हैं आगे, वहाँ पे दिखाते हैं सब्जियां भी बोई जाती हैं और फसलें भी तैयार होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं खेती हुई है सब्जी की, सब्जी सब लगाई गई है। दूर दूर तक देख सकते हैं सब सब्जी की, बालू में सब्जी बोई जाती है, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, कद्दू, लौकी, यही सब, परवल। लोग घूम घाम के वापस हो रहे हैं। यह है बजरंगबली का मंदिर शिव जी का, श्री रामचंद्र जी, बजरंगबली शिव जी।
और ये घाट भी बना हुआ है, ये घाट है, नदी जब पड़ जाती है तो यहाँ आप लोग आते हैं स्नान करने के लिए। तो गाइस यही है गंगा जी का कछारी एरिया, यहाँ पे खेती सब्जी वब्जी होती है, यहीं पर उगाई जाती है। पीछे देख सकते हैं सब खेत हैं, अभी तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो के एंड कर रहे हैं। और ये हमारे सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।